बावलोग आज बात करेंगे फ्रॉम वेब शो के सीजन 3 फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड के बारे में। उससे पहले न्यू कमर के लिए ब्रीफली समराइज कर दूं फर्स्ट एंड सेकंड सीजन। तो एक मिस्ट्री टाउन है जहां लोग आके फंस जा रहे हैं और वहां से बाहर नहीं निकल सकते। बट रियल थ्रेट इज दैट कि रात में इंसानी वेश में ऐसे क्रिएचर निकलते हैं जो आपके घर में अंदर आने के घुसने के लिए पहले परमिशन मांगते हैं, और एक बार आपने दरवाजा खोल दिया तो वो तुरंत ही शैतान का रूप लेंगे और आपको मार देंगे। बस यही सब चलता है कि एक दिन एक बस जिसमें एक फैमिली थी जिम एंड टैबिथा की अपने बच्चों के साथ इस टाउन में फंस जाते हैं, यानी एंट्री करते हैं जब। और फर्स्ट सीजन में बस इन्हीं के आसपास इनकी सर्वाइवल की कहानी घूमती रहती है, जिसका मेन कैरेक्टर द सेरिफ बॉयड है। देन सेकेंड सीजन में कुछ न्यू थ्रेट और हिट करते हैं टाउन के लोगों को, जो इस बार दिमाग को कंट्रोल करके बॉडी को पैरालाइज करते हैं, क्योंकि उनकी रियल सोल एक गुफा में कैद कर ली जाती है। और ये सब डांसिंग एंड सिंगिंग डॉल के कारण होता है, जिसे बॉयड एट दी एंड डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन इस बीच टैबिथा, जो विक्टर के कहने पर ट्री के रास्ते से एक लाइट हाउस में एंट्री ले लेती है, जहां वाइट बॉय उसे वहां से धक्का दे देता है उस लाइट हाउस से, और वो उसकी आँख सीधे हॉस्पिटल में जाके खुलती, क्योंकि वहां से वो नीचे गिरी थी। और यहाँ सेकंड सीजन का दी एंड हो जाता है। तो बाबा, सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से सेकंड सीजन खत्म हुआ था, यानी टैबिथा की आंखें जिस हॉस्पिटल में खुली थी उस सिटी का नाम कैमडन होता है, जो अब उसे कर्स्ड टाउन से बाहर आ चुकी थी। और ये हुआ कैसे, नोबडी नोज, जिसका पता टैबिथा भी अब लगाना चाहती है, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी इतनी बार कोशिश करी वहां से निकलने की लेकिन नहीं निकल पाए। लेकिन फिर भी अचानक ये मिरेकल हुआ कैसे, लाइट टावर से वाइट बॉय के फेंकने के बाद वो सीधा कैमडन आ चुकी है, जहां वो हॉस्पिटल से भाग भी जाती है क्योंकि पुलिस उसे इंटेरोगेट करने के लिए आ रही थी। और अगर वो उस कर्स टाउन के बारे में बताती तो टैबिथा को मेंटल केस समझ लिया जाता। तभी स्ट्रीट पर आकर एक बार फिर से वाइट बॉय उसे नजर आता है, जिसको वो फॉलो करती है। तभी टैबिथा दो लड़कियों से फोन बोरो करती है और अपनी मॉम को फोन लगाती है, पर सच कुछ भी नहीं बताती उस कर्स टाउन के वगैरह के बारे में, वो बस उसकी आवाज़ सुनना चाह रही थी अपनी मॉम की। कुछ देर बाद वो चर्च जाती है और फादर से कन्फेस करती है, अपने बेटे के बारे में बातें शेयर करती है, और इतने में फादर उसे कन्विंस कर लेता है उस कर्स टाउन के बारे में बताने के लिए। और टैबिथा उस जगह के बारे में बताया तो फादर ने उसे जस्ट एक मेंटल केस समझने की कोशिश करी, और वो चीज़ ये जान चुकी थी। इतने में विक्टर ने जो लंच बॉक्स टैबिथा को दिया था, जिसमें उसके घर का एड्रेस लिखा था, और टैबिथा उसके घर जाती है जहाँ विक्टर का बाप उसे मिलता है। दूसरी तरफ टाउन में बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ ईदन अपनी माँ के ढूंढने के लिए जंगल जा रहा था, तभी उसका बाप उसे रोकता है एंड देन उसको प्रॉमिस भी करता है, यानी अपने दोनों बच्चों को, जूली और ईथन को, कि वो उसकी मॉम को वापस लेकर ही लौटेगा और जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन इससे पहले बॉयड और कैनी से जिम की बहस पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों जिम को अकेले नहीं जाने देते उस जंगल में, क्योंकि रियल थ्रेट तो जंगल में ही है ना। तभी कैनी भी जिम के साथ जाने की जिद करता है, यानी उसका डिसीजन होता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। देन वो दोनों वहां से हंसी खुशी निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेड, जो एक एंशिएंट और कल्प्रिट सिग्नेचर की गुत्थी सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, वो बिल्कुल पागल जैसा हो चुका है अब, क्योंकि वो इंजीनियर है तो वो सब कुछ प्रैक्टिकल वे में सोचता है, जो चीजों को हल्के में नहीं ले रहा है। वो इस कर्स प्लेस को डिकोड करना चाहता है एनी हाउ। दूसरी तरफ कैनी और जिम जंगल में चले जाते हैं और ऐसी क्रिंज जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लकड़ी के बने हुए कुछ अजीब पुतले भी देखने को मिलते हैं, और वहीं पर वुडन झोपड़ी में, जो स्ट्रांग वुडन झोपड़ी थी, वहां नाइट स्टे करते हैं और जादुई पत्थर प्रोटेक्शन के लिए गेट पर लगा देते हैं और चैन से सो जाते हैं। लेकिन टाउन में अभी मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज सारे खत्म होते जा रहे हैं। जो सब्जियां टाउन के पीपल ने लगाई थी वो सब सड़ चुकी हैं, और इट लुक लाइक कि जो मिट्टी है वही खराब हो चुकी है, यानी सापित हो चुकी है वो जमीन। दूसरी तरफ इस न्यूज से सारे लोग पैनिक होने लगे और कैनी के मॉम के रेस्टोरेंट पर धावा बोल देते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फूड तो वहीं पर ही है जो वो वहां से वो रिसोर्सेज को लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ रैंडल भी बकरी को खोल के ले जाने लगता है, जो फेवरेट बकरी थी अपने ईथन भाई की, और यहाँ रैंडल की बहस फिर बॉयड से होती है उस बकरी को छुड़ाने के लिए, और इस फूड सप्लीमेंट्स का कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रॉमिस भी किया जाता है। और यहाँ पर रात में बॉयड, डोना और टियानचैन लुई इस मुसीबत से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहे थे, जहाँ उन्होंने फार्म एनिमल का कैलकुलेशन भी कर रहे थे कि कितने दिन और हम सर्वाइव कर सकते हैं इन फार्म एनिमल को खाकर, जहाँ ईदन की फेवरेट गोट पाल्मा के मारने के बारे में भी बात चल रही थी, जो ईदन ने सुन लिया था, और उसके बाद थोड़ी सी अनबन होती है, देन उसके बाद बॉयड उसे
कन्विंस करता है। दूसरी तरफ ये सारी बातें चल ही रही थी कि टाउन के पीपल, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता, अचानक ये क्रिएचर इतने बुद्धिमान कैसे हो गए और उन्होंने फार्म एनिमल को खुला छोड़ दिया, जिससे बॉयड, विक्टर, डोना, टैनचैन, लुई सबको बाहर आकर इन सारे फार्म एनिमल्स को कंट्रोल करना था और उन्हें उनके सुरक्षित बाड़े पर पहुंचाना था, क्योंकि सर्वाइवल का आखिर यही आखिरी चारा है। अगर ये लोग जंगल चले गए यानी फार्म एनिमल, तो फिर ये भूखे मर जाएंगे और इविल क्रिएचर यही तो चाहते थे कि ये लोग बाहर आए और हम इन्हें कैप्चर करें। और वो सफल हुए बॉयड और टैनचैन लुई को पकड़ने में, जहां उन्होंने टैनचैन लुई को तड़पा तड़पा कर मारा, वो भी बॉयड के सामने ही, उसे बांध कर रखा और वो सारी चीजें तड़पता हुआ देखने के लिए मजबूर किया। एंड थोड़ी देर पहले बॉयड, जो सबको मोटिवेट कर रहा था कि ये सारी चीजें हमें ब्रेक नहीं कर सकती, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे, और क्रिएचर चीफ उससे सेम रिपीट करके मॉकिंग करते हुए बोलता है कि अब बोलो ये जगह तुम्हें ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जूली और ईथन को रैंडल ने अपने बस में घुसा लिया था ताकि वो वहां सुरक्षित हो सके, लेकिन क्रिएचर के कब्जे में अब बॉयड आ चुका था, द ओनली कंट्रोलर ऑफ दिस टाउन, जो सारे लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करके रखता है। और यहां पर फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म बाबा। देन बाबा सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, मेकर्स जबरदस्ती खींच रहे हैं अभी स्टोरी को, मतलब बहुत ढीला कर दिया ये वाला एपिसोड। एक इवेंट जिसको बहुत जल्दी खत्म कर सकते थे, वो उसे बहुत ज्यादा खींच दिया, क्योंकि टैनचैन लुई की अब मौत हो चुकी है, यानी कहने की मॉम मर चुकी है, और पूरा एपिसोड बस इसी के शोक विलाप में खपा डाला इन्होंने। खंबे से छूटते ही बॉयड टैनचैन लुई से लिपट कर रोता है, क्योंकि एक अच्छा टाइम इन लोगों ने एक साथ स्पेंड किया था, और वो फाइन अटैचमेंट जो सिर्फ बॉयड नहीं बाकी के लोग भी फील कर रहे थे, लाइक जेड, क्रिस्टी एंड अदर एल्स। बाकी बाबा सैड मोमेंट तो था ही, जो मेकर्स हमें फील कराना चाह रहे थे और सॉलिड फील कराया, लेकिन स्ट्रेची कर दिया, थोड़ा लंबा खींच दिया इस चीज को। उसके बाद टैनचैन लुई को बॉयड चर्च में ले आता है, उसको बरी करने के प्लान चल ही रहा था, इतने में जिम और कैनी जंगल से वापस लौट आती है, और कैनी जो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। दूसरा, कैनी और जिम उन्होंने स्टे किया था जहां पर वहां फूड सप्लीमेंट्स खोज डालते हैं, लाइक गोभी, मोस्ट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हंसी खुशी टाउन वापस लेकर आते हैं ताकि सब लोग ये भुखमरी वाली प्रॉब्लम से बाहर आ सके और अच्छा खाना खा सके। बट सबका मुंह लटका हुआ है एंड उसे बता दिया जाता है कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। इट वॉज ऑल्सो अ वेरी सैड मोमेंट, क्योंकि अगला बंदा दूसरों की भलाई की बात सोच रहा है ताकि औरों की जान बच सके और लोग अच्छे से इस सप्लीमेंट्स का यूज कर सके, बट क्या फायदा इतने सब एफर्ट का जब उसकी प्रीसियस थिंग, उसकी क्लोज हार्टेड पर्सन, उसकी माँ ही उस दुनिया में नहीं है। वो रिग्रेट फील करता है कि मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाया, एंड ही डिमांड्स क्रिस्टी कि मेरी माँ को प्लीज, जो ये चीरफाड़ वो लोग शैतान करके गए हैं, उसे प्लीज अच्छे रूप में बना देना, उसे अच्छे रूप में लास्ट टाइम अलविदा करते समय। और ये सब टाउन में चल ही रहा था कि सभी का ध्यान बस टैनचैन के ऊपर ही है, सभी उसकी अच्छाइयों को सोच सोच कर विलाप भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ टैबिथा, जो विक्टर के घर पर एंट्री ले चुकी है, बट विक्टर का बाप टैबिथा को थ्रेट समझ रहा है, जिसे ये लगता है कि विक्टर के साथ इसने कुछ गलत किया है, और वो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। बट टैबिथा उसे पूरा यकीन दिलाने में फुल एफर्ट मारती है कि वो एक ऐसी वर्स्ट प्लेस से आ रही है जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। विक्टर का बाप इन कहानियों से कन्विंस नहीं हुआ तो टैबिथा ने उन सारे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट इंटरनेट पर दिखाई जिनके खिलाफ मिसिंग FIR करी गई थी, जो उस टाउन में जाकर फंस चुके हैं, लाइक डोना, टैनचैन एंड कैनी, टैबिथा एंड हर फैमिली। तब जाके विक्टर थोड़ा कन्विंस होता है एंड तभी टैबिथा वो अजीब चिल्ड्रन और लाइट हाउस वाले कैद वाली बात बताती है, जो विक्टर की माँ को भी ऐसे नाइटमेयर आया करते थे और उसने उन सब चीजों की पेंटिंग भी बना रखी थी। एंड विक्टर का बाप बताता है कि उसकी बीवी उस जगह को ढूंढने के लिए कहा करती थी और अजीबो गरीबो हरकत किया करती थी। और तभी टैबिथा को व्हाइट बॉय की पेंटिंग भी मिलती है। दूसरी तरफ टाउन में कैनी सारे क्रिएचर को जला के मारने की प्लानिंग करता है और उस मिशन पर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन बॉयड उसे इंटरप्ट करता है और कैनी को ज्वाइन करता है। तभी वो दोनों उस गुफा पर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर दिन में वो सारे क्रिएचर रहते हैं जो रात को निकलते हैं। बट तभी बॉयड कैनी को बताता है कि उसकी माँ अकेली नहीं थी उसके लास्ट टाइम पर, मुझे जबरदस्ती बांध कर रखा गया, देखने पर मजबूर करा गया। और यहाँ कैनी बुरा पिघल जाता है बहुत बुरी तरीके से और वो दोनों मिशन अबॉर्ट करके वापस टाउन आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी मरी माँ से मिलता है जो सुंदर दिख रही थी, और यही तो कहनी चाहता था क्रिस्टी से, जिसने उसको डिमांड करी थी। एंड तभी जिम के घर में टेलीफोन रिंग बेल बजती है और उसके बेटे थॉमस की आवाज दूसरी तरफ से आती है, जिसे वो मरा हुआ डिक्लेयर कर चुके हैं। एंड द एपिसोड इज एंड हियर।
तो बाबा थोड़ा सा स्ट्रेची कर दिया सेकंड एपिसोड को, बाकी सीरीज बहुत औसम है। सस्पेंस पेल कर है, थ्रिल्स पेल कर है भाई, बहुत कुछ मिस्ट्री ही मिस्ट्री है इसमें। एंड थर्ड सीजन जो चल रहा है ना भाई, बहुत दमदार चल रहा है। अभी तक ये ढंग से फिगर आउट नहीं हुआ है कि इन सारी क्रिएचर से आखिर लड़ा कैसे जाए, इनका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो आपने भी इस सीजन को देख लिया है, पहले दो सीजन को भी देख लिया और ये सारे एपिसोड देख लिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाबा, और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी थर्ड एपिसोड पर भी रिव्यू जल्दी आ जाएगा, यानी एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाएगा। बाकी यहाँ तक पहुँच गया तो उसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।